लड़का के सिर में दर्द है जाने के बहू ने दवाई लगा दी तो डोकरी पूरे मोहल्ला में गा रही है जी जी तुम्हारी सब मैं कहू जाई के तो बहो क्या ये शिक्षा है। पत्थर पत्नी गाड़ी के पहिए होते हैं, ध्यान रखना। उस समय भोलेनाथ आज जब क्रोध में आए हैं आसन लगा करके बैठे और क्रोध रूप से, और रूप कौन सा जन्मा बताया हमारे गुरु देवता ने क्या। अरे जब बैठ गए प्रभु तो यज्ञ विध्वंस कर देना, दक्ष का शीश काट के गिरा देना। जब वीरभद्र महान क्रोध में गए, यज्ञ विध्वंस किया, राजा दक्ष का शीश काट के धरती पर गिरा दिया। अब समस्त देवता बेचैन हुए कि यज्ञ पूरा कैसे होगा, और यज्ञ कभी अधूरा रहता नहीं है। ये यज्ञ अधूरा रहा था जो राजा दक्ष का, और जिस जगह पर ये यज्ञ हुआ था वो कनखल स्थान है, कनखल उत्तराखंड में। आज भी उस जगह पर यज्ञ अब भी नहीं होता है, कोई करना चाहे तो अब भी नहीं होता। यज्ञ विध्वंस हो गया, राजा दक्ष का शीश कट गया, तो समस्त देवताओं ने भोलेनाथ से विनती की कि प्रभु अब महाराज दक्ष का यज्ञ अधूरा रह गया, यज्ञ पूरा कैसे। पूरा तो तभी तो हो तब राजा दक्ष सामग्री चढ़ावे, उनकी महाराज दक्ष को जिन्ना करना होगा। भोलेनाथ कहते हैं कि सती जी कह गई कि अंग भंग रहे, तो जिंदो हुए जावे पर अंग भंग ही रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कह दिया देवता सुनो अब ये सिर तो नहीं जमेगा, पर एक काम करना होगा तुम्हें। कौन सा? अरे तुम उत्तराखंड को इसलिए मंगवाया कि वही अहंकार की मैं तो राजा दक्ष में थी कि जा दुनिया में जो कछू सो, और वही मैं होती है बकरा में, मत मत जावे पर मैं नहीं जावे। और भगवान को अगर बैर है तो केवल मैं से, ध्यान रखना। आपने डॉक्टर सुने होंगे, सर्जन उसे कहते हैं जो सर्जरी करता है, और डिग्री होती है उसकी एमएस। सबसे पहला सर्जन कौन था? इतना बड़ा सर्जन आज तक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, और वो सर्जन थे त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ। कंधा से नीचे आदमी बना रहा और ऊपर को सिर बकरा का जोड़ दिया, कितना बड़ा सर्जन था। सर्जरी तो आज भी बहुत है, बहुत
आगे निकल चुकी है। और अगर किसी ने देखा हो कल, तो शायद हरियाणा में एक बच्चा जन्मा है, उसके चार हाथ हैं, हाथ चार हैं, पूरा वीडियो दिखाया है डॉक्टरों ने, तो हाथों पर तो समझौता बना दिया डॉक्टरों ने, जैसे हम सर्जरी से सही कर दें। अब पूरे विश्व के डॉक्टर इस बात पर लगे हुए हैं कि दोनों तरफ उस बच्चे के सिर हैं और सिर दोनों ही बराबर है, बीच का हिस्सा पेट का ज्योका तो है लेकिन दोनों ही तरफ सिर हैं। अब इस जगह पर वो फेल हो रहे हैं डॉक्टर के, आखिर हो तो हो गया, तब प्रकृति और भगवान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और वही सर्जन थे जो आज बकरा का सिर कटवा दिया और धड़ पे दक्ष महाराज के जोड़ दिया, लेकिन जिन्ना तो हुए, राजा दक्ष जिंदा हुए, तो वो शब्द कौन सा निकला था मुंह से, आज भी देखा हो तुमने, जब कांवर भर के लाते हैं वही शब्द निकलता है, कौन सा? अरे बम बम और यटल बम, देखी बम बम और बम लहरी, अरे बम बम यार यटल बम, देखी बम बम यार बम लहरी, अरे बम बम यार यटल बम, देखी बम बम यार बम लहरी, ऊंची बाय और पूरा ब्रह्म, देखी यटल बम यार बम लहरी, अरे मैं हूं जीव यार तू है ब्रह्म, देखी यटल बम यार बम लहरी। देखा हो दोहा बोल के बम बोलते हैं, जब कांवर लाते हैं और बम बोलते हैं, ये सबसे पहले बम बोली तो राजा दक्ष ने बोली, दक्ष से पहले किसी ने। श्रोता बंधु, महाराज दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, एक तारक नाम का राक्षस था, देवताओं से युद्ध होता था, देवताओं से संग्राम होता था, तो देवता हार जाते थे, तारकासुर जीत जाता था। तो भगवान से जब स्तुति की देवताओं ने, कहा महाराज ये तारकासुर मरेगा कैसे, भगवान ने आश्वासन दिया कि तारकासुर को शिवजी का अंश मारेगा और कोई नहीं मार सकता, महाराज शिवजी का अंश, और शिवजी की तो गरबाई जर गई, भगवान ने की तो दूसरी शादी करवा, फिर करवा तुम्हारा शादी करवा में, तो वो लड़की की नकी है, भगवान ने क्षीर सागर में थी कही कि वो लड़की है भाई पैदा ना भाई, अरे महाराज बाधा कितना छोटो दे रहे हो, अभी तो लड़की है ना पैदा भाई, तो जाओ देवता हेमंचल महाराज के घर मैना से विनती करो, मैना के उधर से जो कन्या पैदा होगी उसी से शिवजी का फिर विवाह होगा। तो देवताओं ने स्तुति की है, मैना के उधर से जो कन्या जन्मी उसी कन्या का नाम रखा गया पार्वती, बोलिए पार्वती मैया की। और पार्वती जब चार वर्ष की हुई तो देवता विचार करते हैं कि अब लड़की जन्म गई तो भैया विवाह की रूपरेखा बनाओ, कोई बिचौलिया तलाश हो, अब बिचौलिया बनवे कोई तैयार नहीं, तो नारद जी थी कही महाराज तुम ही बन जाओ। नारद जी बोले महाराज बिल्कुल ना, बिचौलिया पे गारी पत्ते, और जी बात तब नारद जी ने कह दी वो आज तक वही है, ब्याह चाहे छोटो हो चाहे बड़ो हो बिना बिचौलिया के हो तो ना, बिचौलिया कब चैनते दावत है तुम अब देख लो, बात हिसाब कब हो तो मालूम है कि का उतरे लड़की भाई ने दरवाजो कब दो हलको, सामान बढ़िया नहीं रखो, तो वो लड़का को बाप जन्मा से मैं कहता हूँ मेरे के तो 20 लाख के उठोते मिल जाए, वो सत्यानाश चलो जाए, जब बिचौलिया बोलियो कहाँ है, वो इतने लड़की को बाप पी कहते हो जी लड़का को बाप इतो लालची है तो मेरी छोरी को हेलो कब ना बैठो जी बिचौलिया कहाँ जा बोलियो, पर रात के 1 बजे पंडाल में तो भाजनो पत्तो घर को दावत तो मिलती है ना, जब सही विचार करियो मन में हृदय में जांच करो जा चीज की बिचौलिया ने काउल कछू ले लो है, लेकिन वह बेचारे अच्छे दावत मिलते ना है,
और वही नारद जी कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं महाराज देवताओं का काम बन जाएगा। अरे यार, अरे दुनिया में सूत बहुत है, महकमा में सूत ही न बन पाओ। ध्यान रखना श्रोता बंधु, उस समय नारद जी जब आए तो हेमंत चंद महाराज ने उस लड़की का हाथ दिखाया है। देखो महाराज जी, हमारे यहां कन्या वही है, जाके रेखा बताओ कैसी है। अब जो बतानी था नारद जी सीखे आए पहले ही, सुबह बेटी को हाथ पकड़ के दो तरफ देख के बोले कि ना ठीक है, दो लगत भरी पूरी है पर चुप है। महाराज कोई कमी है कहना, और कोई कमी ना, इतनी कमी है कि जा लड़की के भाग में बर नहीं अच्छा ना है। कैसो है कि जी मान लो रहीवे को ठोड़ना है, खाएवे को ना जाना है। ये महाराज फिर जा में अच्छो ही का है। नारद जी ने बात बदल के कही कि जो लक्षण जा लड़की की रेखा बता रही है, बे लक्षण यो के तो ही सब शिवजी में, तो तुम जाको ब्याह शिवजी ते ना करवा दो। ए महाराज हजारन साल तो जगत ना है। महाराज हजारन साल तो जगत ना है। पार्वती जी की तुम बताओ तुम राजी हो, हमारा मैं तो राजी, तो तुम राजी हो आसन मार के बैठ जाओ, जाप करती रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देखे कब तक राजी ना होंगे। और ध्यान रखना हाथ कभी किसी को दिखाना भी मत। सभी माताएं बहनें ध्यान से सुनो, हाथ कभी किसी को दिखाओ मत कि मेरे हाथ में जी बताओ देख के कि मेरे भाग्य में सुख है कि दुख है, कबू मन दिखाओ। और जो देखने वाले ये स्वयं कभी अपने हाथ को देख के बताया कि तुम्हारे जीवन में क्या है, कभी पर मानती कहां हो। मालूम है एक बार ये गुरु और चेला हम और ये मंगेश दो जने रोटी खावे गए पल्ला सतीश चाचा के वहां, सो एक दरवाजे पे एक डोकरी बैठी, सो उन्होंने कही के शास्त्री जी ने कहा हाथ देखियो मे हो, तो हमने की माता जी हम जानता, ये तुम आत्म कछ ना जानता, माता जी कछ ना जानता, ये तुम काय के शास्त्री हो। पीछे चेला ते गई के ए लला तू काय डोलो ने संग के मैं माता जी का सीख रहा हूं, इन्हें जे जानते ही कहा, क्योंकि मैंने हाथ दिखाई के हाथ देख वही नहीं जानता। चेला ने गढ़ तो लगा उनकी माता जी मैं जानतू। अब डोकरी एक बात तो चक्कर में पड़ गई कि गुरु जानतो ना चेला जानतो है। चेला ने कही गुरु जी तक कान में गुरु जी ने कहते चुप चाप खड़े रही हो, हाथ देख लू मैंने माता जी को, क्योंकि आ माता जी ते डोकरी ने हाथ बदल लो। अब चेला ने द्वेबे तो पलक मारे और ने कानन मंगरिया घुमा के और भीतर तक चकी ले और सोई कही डोकरी को हाथ देख के तुम अज मान लो तुम्हारी संग तुम्हारे आत्म रेखा जी बता रही है कि रुपया आवत तो है तुम्हें पर रुका तो ना। बिल्कुल लला सही कही है, तुम्हारी संग रुपया रुका तू ही ना। अच्छा एक बात बता, रुपया को कर्म ही आए वो जाए वो, सोचो ने रुपये का कर्म है आना और जाना। आज तुम्हारी जेब में अगर कहीं से 100 का नोट आ गया है तो साल भर बाद वो 100 का नोट का और की जेब में हो, 10 दिन बाद ही होगा। लला बिल्कुल सही है। फिर कही कि माता जी तुम्हारी साथ तुम इतनी बोरी हो कि तुम तो सब चाहती हो पर तुम्हें कोई तुम्हें कोई ना चाहता। ए लला बिल्कुल, अरे देख लो रजा की तजा बताई है, सबको पेट दही मरी जा रही हूं पर मोकू कोई। और तीसरी बार कही चेला ने कि माता जी एक रेखा त्याई बहुत गड़बड़ है कि कहा कि तुम्हें काऊ ने टोना दे दे। और जो इतनी कही है डुकरिया घोटन के ऊपर बैठी, लला सोई में कह रही कि मेरी हड़कल काय को पर रही है, ये मैया मेरे पांड में हड़कल पत्ते में बस। लला सही कही है बिल्कुल, लेकर के डुकरिया ने 101 रुपया दे दे, 20 किलो गेहूं दे दे। लला तू बहुत जानकार है, गुरु को सुना जाना। तब कही चेला ने कहो गुरु जी बने को काम, रुपया 100 जे आएगा 20 किलो गेहूं होंगे तो हम तुमको 20 दिन होंगे खाए।
तो माता जी जब आता गांठ बांध लो, सभी बिटियां पढ़ी लिखी हूँ, हाथ कभी किसी को मंद का कुछ नहीं है, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोले।